नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रूव हेल्थ पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में, यानी कि जो मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल होती है अनवांटेड 72 और आई पिल के रिगार्डिंग। यह पिल्स इमरजेंसी के अंदर यूज ली जाती है, जो कि गर्भ निरोधक गोलियों का रूप में काम में आज आती है। यदि आप प्रेगनेंसी कंस्यूम नहीं करना चाहते हैं तो इन गोलियों का यूज होता है। तो बने रहिए वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपन बात करते हैं अनवांटेड 72 और आईपील के रिगार्डिंग। तो बेसिकली ये गोलियां आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी, अनवांटेड 72 और आईपील, जो इनका मैं जनरली इंट्रोडक्शन आपको बताऊंगा। दूसरी बात, इनका क्या एक्शन होता है वो बताऊंगा, इनको कैसे लेनी होती है, कब लेनी होती है और साइड इफेक्ट, इन टॉपिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे इन गोलियों के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं इनके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। आई पिल और अनवांटेड 72, इनके अंदर लियोनॉर्जेस्टेरोन नाम का सॉल्ट आता है, जो कि 1.5 mg के अंदर आता है, 1.5 mg में आता है। वह एक प्रोजेस्टेरोन का डेरिवेटिव होता है, जो कि ओवुलेशन को रोकता है, ओवुलेशन नहीं होने देता है, ठीक है। और यह बेसिकली मार्केट के अंदर आपको 90 से 120 रुपए की रेंज के अंदर दोनों पिल्स मिल जाएंगी, हर कहीं केमिस्ट की शॉप पे मिल जाती है। और इसे आप ओवर द काउंटर भी खरीद सकते हैं, विदाउट किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से आप इसे परचेज कर सकते हैं और इसे यूज ले सकते हैं। बट ध्यान रहे, इनको इमरजेंसी कंडीशंस में ही काम में लिया जाए, ये नहीं कि आप बार बार में प्रेग्नेंट हो रहे हो और बार बार में इंटरकोर्स कर रहे हो विदाउट एनी प्रिकॉशन के, और आपको चांसेस है प्रेगनेंसी कंसीव होने के, तो इन गोलियों को पिल्स को ले रहे हो तो ऐसा ना करें, ये बहुत घातक हो सकती है। आगने वाली जो प्रेगनेंसी है उसके अंदर आपको कॉम्प्लिकेशन दिखाई दे सकते हैं इन चीज़ों के। अब बात करते हैं इसके अपन मैकेनिज्म की, ये काम क्या करती है बॉडी पर, इसके क्या इफेक्ट होते हैं, कैसे काम करती है। तो बेसिकली ये दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे डिपेंड करती है, इसका दो काम होते हैं, दो तरीके से बॉडी पर वर्क करती है। पहला होता है ये उनको रोक देती है, यह ओवुलेशन होता है जो अंडे का निर्माण होता है तो उसको रोक देती है, इनहिबिट कर देती है। यदि आपने आपके मेल पार्टनर के साथ में इंटरकोर्स किया है और यदि आपने कोई प्रिकॉशन भी यूज लिया था और शायद वो फेल हो गया, कोई IUD वगैरह लगवा रखी थी आपने, वो भी उनकी भी फेलियर रेट होती है और वो फेल हो गई, तो इस केस में आपको चांसेस है कि आप मेरे को प्रेग्नेंट होने के चांसेस हो रहे हैं। तो उस केस के अंदर क्या करते हैं, आप ओवुलेशन को रोक लेते हैं। यदि आज आपने, आपका ओवुलेशन का टाइम होता है 14 days का, 14वें दिन, और आपने इंटरकोर्स किया था 10 से 11 दिन के समथिंग किया था और आपको चांसेस है प्रेगनेंसी कंसीव होने के, तो आप इस मेडिसिन को ले लीजिए, एक पिल ले लीजिए, ये एक स्ट्रिप में एक ही पिल आती है उसको लीजिए। वह लेने के बाद में आप जो आपका ओवुलेशन है, अंडोत्सर्ग है, वह रुक जाएगा और जो आपके पार्टनर का इंटरकोर्स के टाइम पे जो स्पर्म अंदर गया था वह 72 hours के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इस जो पिल है इसका टाइमिंग भी 72 hours ही है ओवुलेशन को इनहिबिट करने का, तो आपका जो स्पर्म है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। दूसरी बात अब करते हैं, यदि आपने इंटरकोर्स कर लिया, ठीक है, और आपका उस टाइम पे ओवुलेशन हो चुका है, 14th day था या 15th day था और आपका अंडोत्सर्ग हो चुका है, अंडे का निर्माण भी हो चुका है, अब आपका स्पर्म जाएगा तो चांसेस हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव होगी ही होगी। बट यह एक और काम करता है, जो ओवम होता है और जो स्पर्म होता है उसके बीच में एक बैरियर का काम करता है, जो लियोनॉर्जेस्टेरोन है उन दोनों को फर्टिलाइज नहीं होने देता, उस वजह से भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती। अब एक और बात करते हैं, यदि आपके प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है, यदि आप प्रेग्नेंट हो गए 14th day पे और उसके बाद में यदि आपने इस पिल को ले लिया तो उसके क्या साइड इफेक्ट रहेंगे क्या, नहीं। आप इस मेडिसिन को यदि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद में ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, बट ध्यान रहे बार बार नहीं लेना, वो तो हो गई, अब यदि उसको आप नहीं चाहते हैं तो फिर बाद में आप उसके लिए जो अबॉर्शन के लिए पिल्स आती है या DNC वगैरह प्रोसीजर होते हैं वो करवाइए, इस पिल से कुछ नहीं होने वाला अब प्रेगनेंसी के लिए अंदर।
अब हम बात करते हैं इस पिल को कैसे लेते हैं, हाउ टू यूज अनवांटेड 72 आई पिल। इस पिल को मैंने बताया, इसको जैसे ही आपने इंटरकोर्स किया उसके 72 आवर्स के अंदर आपको लेना होता है, पानी के साथ में ले सकते हैं। कैसे लेना होता है, जैसे कि आप आज इंटरकोर्स कर रहे हो और आपने इसको 72 घंटे के अंदर अंदर लिया है, तो इसकी जो एफिकेसी होती है, जो इसका सक्सेस रेट होती है, वो 90% है। और इसको आप बढ़ा सकते हो यदि आप 72 घंटे के अंदर अंदर या पहले यदि इस पिल को ले रहे हैं, तो श्योर यह आपकी प्रेगनेंसी कंस्यूम नहीं होने देगी, प्रेगनेंसी को होने से रोक देगी। बट इस मेडिसिन का तभी यूज करें जब आपको लगे कि हाँ मेरे को भी प्रेग्नेंट नहीं होना है, क्योंकि यह जो मेडिसिन होती है इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, आगे जाके बहुत कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देती है प्रेगनेंसीज के अंदर। तो इस पिल को आप उसी टाइम पे यूज करिए, यानी कि सपोज दैट आपने कोई भी कंडोम वगैरह यूज किया था कॉन्ट्रासेप्टिव, वो फेल हो गया, रप्चर हो गया, उसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, या फिर बाद में आपने कोई IUD ले रखी है तो आपकी प्रेगनेंसी हो गई, या आप कोई भी जो डेली की पिल्स लेते हैं 21 डेज वाली पिल्स होती है, उसमें आपने मिस हो गई एक दो पिल और उसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, तो उस केस के अंदर आप इस पिल को ले सकते हैं। बट इसको ऐसे रोज ना ले, हमेशा ये नहीं कि आप हर मंथ इसको ले रहे हैं, ये बहुत घातक हो सकती है। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। नॉर्मली इसके साइड इफेक्ट वही जो नोजिया, वोमिटिंग, थोड़ा हार्टबर्न हो सकता है और थोड़ा सा ब्लीडिंग स्पॉटिंग दिखाई दे सकती है। अब बात करते हैं, मोस्टली फीमेल्स का ये आंसर होता है कि सर इस मेडिसिन को हमने ले लिया तो इसमें ये बाद में जाके आने वाली प्रेगनेंसीज के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकती है। ऐसा नहीं है, यह मेडिसिन 72 आवर्स तक ही बॉडी के अंदर रहती है, बाद में यह अपने आप वॉश आउट हो जाती है, या 7 डेज मैक्सिमम यह बॉडी के अंदर रहेगी, उसके बाद में ऑटोमेटिकली वॉश आउट हो जाएगी, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं रहेगा यदि आपने इसको एक लिमिटेशन में लिया है। यदि आप अनलिमिटेड ले रहे हो, इनको हर बार यूज ले रहे हो ना, तो फिर बाद में आपको कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकती है। तो कैसा लगा वीडियो आपको, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।